Now let's discuss the second one. A shopkeeper sold 39,012 kg sugar. कितना? 39,012 kg sugar उसने बेचा. 42,301 kg राइस बेचा और 3,201 kg वीट्स बेचा. ठीक है, इन वन मंथ, एक महीने में. सो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ शुगर, राइस एंड वीट इन वन मंथ? कितना अमाउंट उसने सेल किया? यस स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स डू सॉल्यूशन टू. राइट, क्या है? शॉपकीपर सोल्ड 39,012 kg शुगर, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? शुगर कितना? 39,012, राइट? सेकंड, राइस कितना है? यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? केजी. ठीक है, राइस कितना है? 42,301, राइट? 42,301 केजी. और वीट कितना है? वीट है 3,201 केजी. अब क्या करो? ऐड करो. ठीक है, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 1 + 0 = 0, 1. नाउ 3 + 2 = 5 एंड 9 + 2 = 11, 11 + 3 = 14 एंड 4 + 4 = 8, राइट? सो कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वीट, शुगर एंड राइस सोल्ड इज इक्वल टू कितना? 84,514 kg. ओके ये स्टूडेंट्स, सो चलो इसको देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ अ कलर टीवी, एक कलर टीवी की कॉस्ट कितनी है? इतनी 9,932. एंड कॉस्ट ऑफ अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी है? 13,240. ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी एंड वॉशिंग मशीन. तो बस जैसे हमने ऊपर के दोनों क्वेश्चन किए वैसे इनको भी करना है. कॉस्ट ऑफ टीवी इतना, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन कितना? इतना. तो टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी एंड वॉशिंग मशीन आ जाएगा इन दोनों को जो ऐड करके, राइट? सो दिस वन इज योर होमवर्क. द कॉस्ट ऑफ शॉप, एक शॉप है उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,52,321 रुपीस. एक घर की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ होम वो है 12,312 रुपीस. नाउ मोर देन शॉप. अच्छा, इतना शॉप से ज़्यादा, जैसे ये वाला एग्जांपल था ना, एग्जैक्टली वैसे. ये तो किसकी कॉस्ट है? शॉप की. और घर की कॉस्ट कितनी है? इतनी, इससे, शॉप से ज़्यादा है ना. तो पहले क्या करेंगे? शॉप की कॉस्ट, होम की कॉस्ट निकालेंगे. उसके बाद क्या करना? निकालना क्या इसमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ होम एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप एंड होम. सबसे पहले होम की कॉस्ट फाइंड करनी है, फिर टोटल कॉस्ट किसकी फाइंड करनी है? शॉप और होम की. ठीक है, चलो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव सॉल्वड इट. कॉस्ट ऑफ शॉप इतना 1,52,321. तो कॉस्ट ऑफ होम कितना था? 1,212 मोर किसके? कॉस्ट ऑफ शॉप के, राइट? तो क्या किया? बस दोनों को ऐड करके यहाँ पे वैल्यू निकाल ली. तो कॉस्ट ऑफ होम कितनी आई? वो आई 2,72,633. ठीक है, दोनों को ऐड किया. उसके बाद अब क्या? अब हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है? टोटल कॉस्ट निकालनी है, शॉप और होम दोनों की. तो बस क्या किया? जो हमने होम की कॉस्ट निकाली है ना, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ये जो हमने कॉस्ट ऑफ शॉप रखी थी. ठीक है, तो जब ऑड ऐड किया तो क्या है? 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 6 + 3 = 9, 2 + 2 = 4, 7 + 5 = 12, 2 + 1 = 3 + 1 = 4. कितना आया? 4,24,954. तो यही है क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ होम एंड शॉप. ओके, यस. सो स्टूडेंट्स, फोर वाला हमने किया. अब यहाँ पे ये जो 5 और 6 है ये हो गए आपके होमवर्क क्वेश्चन. इसमें क्या करना है? तीन कैंडिडेट्स हैं, एक इलेक्शन में खड़ी हुए, एक को कितना मिला? इतना, दूसरे को इतना और तीसरे को इतने वोट्स. ठीक है, हाउ मेनी वोट्स वर पोल्ड? तो बताओ टोटल वोट्स कितने हुए? बस तीनों को ऐड कर दो, राइट? सिक्स क्वेश्चन देखो. अ स्टूडेंट स्पेंट कितना? 3,20,010 ऑन फी ऑफ कॉलेज, 1,030 ऑन बुक्स एंड 510 रुपीज़ ऑन यूनिफॉर्म. ठीक है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड? तो कितना खर्चा किया? बस तीनों को ऐड कर दो, आ जाएगा. ओके, इजी है ना? तो ये जो टिक वाले हैं ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो. व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ थ्री कॉलेजेस? तीन कॉलेजेस के कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? चलो देखते हैं. इफ फर्स्ट कॉलेज में कितने हैं? 9,210 स्टूडेंट. सेकेंड में है 320 मोर देन फर्स्ट कॉलेज. 320 ज़्यादा है किससे? फर्स्ट कॉलेज से. ठीक है, तो मतलब इसमें कितने हो जो सेकेंड हो गए सेकेंड कॉलेज में? 9,210 + 320, राइट? और थर्ड में क्या है? 522 मोर देन सेकेंड कॉलेज. तो सेकेंड कॉलेज में जो आया उसके, उससे कितना ज़्यादा? 522 ज़्यादा. तो जो आया सेकेंड कॉलेज की स्टूडेंट की पॉपुलेशन, उसमें 522 ऐड कर दो.
ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा सेकंड कॉलेज का. नाउ ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थर्ड कॉलेज. ठीक है, तो बस अब करना क्या है, थर्ड कॉलेज की टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है. ठीक है, चलो तो सेवन्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क. ओके, और जो एट्थ वाले हैं, एट ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस और हमारा एमसीक्यू खत्म हो जाएगा. ओके, यस, तो चलो आज आपके जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से करिएगा. ओके, एंड इफ एनीवन हैज़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग एसएस कॉन्वेंट स्कूल, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज टू गिवन नंबर्स.